अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है? मजे हैं भाई। इस वक्त शाम के तकरीबन 4:30 बज रहे हैं और ये देखे भाई अब्दुल कबीर क्या कर रहा है, अपनी स्किपिंग बॉल के ऊपर जो है ना जंपिंग शंपिंग कर रहा है और बेगम जो है ना किचन के अंदर किसी चीज की तैयारी कर रही है। बेगम क्या सीन चल रहा है? इफ्तारी की तैयारी कर रही हूं। मुझे भी कभी दावत दे दे, मतलब बोले कि मुस्तफा हमारे साथ इफ्तार कर लो। तो डेली बाहर ही करते। आज मैं सोच रही हूं कि आज मैं अपना ये काम छोड़ के आपके साथ ही बाहर इफ्तारी करूं। यार नॉट अ बैड आइडिया, मतलब जो है ना क्या कहती है, चले फिर आज कहीं बाहर इफ्तार करें। आज मैं सोच रहा हूँ की जो है ना हम लोग चलते हैं कहीं बाहर इफ्तार करके। ठीक है, अबू जी को कॉल करता हूँ मैं। अबू जी को भी बोलता हूँ कि आप भी रेडी हो जाए थोड़ी देर में और मम्मी को भी जो है ना कॉल करके बुलाता हूँ, मम्मी के घर पे गई है। चलो बच्चों तैयारी पकड़ो। भाई मोहम्मद अहमद जो है ना आज हमारे साथ इफ्तार पे नहीं जाएगा क्योंकि मोहम्मद अहमद ने तो रोजा ही नहीं रखा भाई, तो इफ्तारी पे क्यों लेके जाए आपको? हैं, रोजा नहीं रखा आपने? मैं दरवाजा तोड़, तो दरवाजा तोड़ के चला जाएगा। नहीं भाई ले जाओ, मैं दरवाजा नहीं तोड़ रहा। जी हाँ मैं लेके आता, हम साथ ही गए थे लेने के लिए। आप तैयार हो गए बाहर चलने के लिए? रेडी हो आप? अच्छा, और आप भी तैयार हो गए? चले माशाल्लाह, चले चलते हैं चलते हैं भाई। सबसे पहले जो है ना हम लोगों ने अब्दुल कबीर के शूज लेने, इसके बाद जाएंगे इफ्तार के लिए। यार बेगम असल में सीन पता है क्या, 4:45 इस वक्त ऑलरेडी बज गए। ठीक है, शूज लेने के लिए अभी हम गए ना तो गाड़ी लगाना पार्किंग में, फिर मॉल में जाना आना, ये वो मिला के पूरा पैकेज बन जाएगा 1.5 घंटे का। सही है ना? तो पहले हम इफ्तार के लिए निकल जाते हैं, वरना जिस रेस्टोरेंट के अंदर मैं जा रहा हूँ ना, अगर हमें अच्छी जगह नहीं मिली ना व्यू वाली, अच्छे व्यू वाली, तो फिर फायदा नहीं है। क्या हुआ, सेट क्यों हो गए हो? शूज चाहिए? अब ड्रामे शुरू कर रहे हैं। सही है, हम फिर एक काम करते हैं, शूज लेने के लिए चले आते हैं और बाहर इफ्तार करने के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, इफ्तार करने के लिए नहीं जाएंगे? कहाँ जाना है बताओ? इफ्तार करने के लिए जाना है ना? बस सही है, तो फिर शूज जो है ना हम कर लेंगे। ठीक है, लो भाई दोनों चीजें चाहिए इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेगम जो है ना अपना नया अबाया जो है वो इस्त्री करी। बेगम फर्स्ट टाइम ब्लैक के अलावा कोई कलर आपने लिया है ना? जबरदस्त जबरदस्त। सोचें कि अगर आपने ये अबाया जला दिया अभी तो क्या होगा? नहीं, क्योंकि मेरी टी शर्ट तो अक्सर ही जल जाती हैं, वो तो कोई मसला ही नहीं। अरे सिर्फ एक दफा हुआ था? चले मैं गिन के बताऊंगा आप लोगों को। जल्दी जल्दी जंप करो, जंप करो गाड़ी के अंदर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम अबू जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आ जाए आ जाए। चलें जी, सफर स्टार्ट हो रहा है। सुभान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। वैसे तो घर वालों ने कहा था कि इनको कश्ती में रोजा खोलना है, जिस तरह मैंने एक ब्लॉग बनाया था दोस्तों के साथ में गया था, लेकिन आज जो है ना मैं इन लोगों को कहीं और लेके जा रहा हूँ, कश्ती वाला भी सीन करवा देंगे इंशाल्लाह। टाइम कम है भाई, वहाँ पे रश ना हो जाए कहीं। क्या टाइम हो गया बाय द वे? ओहो 5:45 भाई, ऑलमोस्ट जो है ना हम पहुंच गए और देखें काफी सारे लोग जो है ना अभी से आके बैठ गए क्योंकि समंदर का व्यू जो है ना लोग एंजॉय करना चाहते हैं, इसीलिए आते हैं यहाँ पे। जितना रश हो गया है ना भाई, मुश्किल ही लग रहा है कि समंदर वाला व्यू मिले। ट्राई करते हैं अपनी किस्मत। चले भाई हो गया काम हमारा, तो पहले रेस्टोरेंट ने तो बोल दिया कि अगर आपने बुकिंग नहीं कराई तो वो तो फुल है। ठीक है, अब दूसरे रेस्टोरेंट में ट्राई करते हैं, मुझे लग रहा है आज का सीन ऑफ हो गया। भाई यहाँ पे भी मुश्किल ही लग रहा है लेकिन ट्राई करते हैं। देखें यहाँ पे अच्छी खासी लंबी लाइन लगी हुई, पूछते हैं अगर फ्रंट का व्यू मिलेगा तो बैठेंगे वरना मुश्किल है। ये देखें भाई ये वाला टेबल हमको मिला है, मेरी कोशिश थी कि वो वाला मिल जाता ना यार मजा ही आ जाता, लेकिन उसके लिए तो जो है ना एक दिन पहले बुक कराना पड़ता है, तो मैंने बोला इससे पहले ये निकल जाए इस पर बैठ जाते हैं। भाई बता रहे हैं कि अभी से ऑर्डर देंगे ना तो इफ्तार तक इंशाल्लाह खाना आपका रेडी हो जाएगा। दोस्त एक हो गया चिकन टिक्का स्पाइसी VIP वाला। ठीक है, अब्दुल कबीर आपने क्या खाना है? चावल खाने। अब चावल के अंदर कुछ देख लेते हैं, सालन चावल। मम्मी आप किचन में जाके यहीं पे बना दो इसके लिए। ओ भाई चेक करें यहाँ पे तो भाई हांडियाँ शांडियाँ बन रही हैं, मतलब फुल सेटअप चल रहा है भाई, इफ्तार की तैयारी चल रही है। असर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी जानमाज बनी हुई है, यहाँ पे नमाज़ पढ़ लेते हैं। अबू जी सारा जो है ना इस व्यू के पैसे है कि नहीं है? है ना, अगर हमें यहाँ जगह मिल जाती तो बड़ा मज़ा आता, लेकिन हम लेट हो गए। बहुत सुकून है भाई यहाँ पे, सिर्फ पानी की आवाज़ है और कोई आवाज़ नहीं, और वो देखें भाई चांद भी निकल आया है माशाल्लाह। तो भाई हमने जो है ना इफ्तार के लिए क्या मंगवाया, एक तो मैंडेटरी लाल शरबत, ठीक है जी, और इसके अलावा खजूरें हैं, इसके अलावा पेरी बाइट्स हैं, और इसके अलावा जो है वो कीमे के गर्मा गर्म समोसे हैं। अच्छा हमने जो है ना बराबर वाले रेस्टोरेंट में जाना था क्योंकि वहाँ पे जो है ना इफ्तार बुफे, ठीक है, तो वहाँ पे तो ये है कि हम लोग सारे आइटम्स जो है वो एंजॉय कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बुफे का सिस्टम नहीं है तो यहाँ पे जो है ना हमने ऑर्डर दे दिया है, तो हो सकता है कि थोड़ी देर में ऑर्डर भी हमारा आ ही जाएगा। फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया, ये देखें भाई ये आ गई है, इसके अंदर मटन कढ़ाई, ठीक है जी, क्या खुशबू आ रही है, और बेगम ने मंगवाया था बीफ चिली ड्राई, और ये आ गई है भाई चिकन कढ़ाई। ओए हुए धुआं देखें कितना निकल रहा है, ज़बरदस्त हो गया। और ये बच्चों के लिए जो है ना स्टीम राइस।
और हाँ, मैंने अपने लिए जो है ना वो डाइटिंग वाला सेटअप भी मंगवाया है। ये देखें भाई, डाइटिंग के अंदर चिकन टिक्का तो खा सकते हैं इजीली, तो इसके अंदर चिकन टिक्का है। ये देखें, चलें जी इफ्तार का टाइम हो गया है, रोज़ा खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खजूर बहुत अच्छी वाली भाई। और अब्दुल कबीर क्या खा रहा है? खीरा खा रहा है। अच्छा, जो टिक्के के साथ आया था ना खीरा, वो उठा लिया। और अब जो है ना यहाँ का समोसा ट्राई करते हैं। वैसे मेरा मानना है कि जो बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, उनके खाने के अंदर टेस्ट इतना नहीं होता जो स्ट्रीट फूड के अंदर होता है, लेकिन यहाँ का समोसा चखते हैं कैसा है। यहाँ का समोसा जो है ना नॉर्मल है। असल जो टेस्ट होता है ना, जो स्ट्रीट फूड पर जो समोसे मिलते हैं ना, उसका वीआईपी टेस्ट होता है। और अब पीते हैं पानी, जिससे हमें सुकून मिलेगा। लाख शरबत पी लो, जूसेस पी लो, ड्रिंक्स पी लो, जो सुकून इस पानी का है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। और पानी जब ठंडा हो ना तो और मज़ा आता है। और अब बारी आती है भाई बीफ चिली ड्राई की। देखते हैं यहाँ का बीफ चिली ड्राई कैसा है। अच्छा है, नो डाउट, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। सही है, 10 में से अगर मार्क्स दूँ तो 7.5। और अब आपका भाई आ गया है चिकन कड़ाही की तरफ। आहा, ये मुझे जो है ना बहुत मज़े की लग रही है। देखते ज़रा कैसी है। पहला निवाला फुल लोडेड। आहा, बहुत ही मसाले वाली लग रही। मैंने इनको बोला था कि फुल स्पाइसी बनानी है आप लोगों ने कढ़ाई। कढ़ाई तो जो है ना बहुत वीआईपी है। यहाँ की कढ़ाई सबसे अच्छी लगी मुझे। वीआईपी सेटअप हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब बारी आती है भाई मसाले वाला चिकन टिक्का चेस पीस। ये देखे भाई, आहा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ जो है ना एक आधा चटनी भी आई हुई है, इसमें डिप करके इसको खाते हैं। चटनी जो है ना हर जगह की अच्छी नहीं होती, यहाँ की चटनी बहुत वीआईपी है। आपस की बात है, आप लोगों को तो पता ही होगा कि कढ़ाई खाने का असल मज़ा जो है ना डायरेक्ट इसी के अंदर से, मतलब जब आप कढ़ाई के अंदर से ही खाओ ना, आहा, इसके अंदर मज़ा आता है। और भाई ये बच्चों के लिए जो है ना हमने और समोसे मंगा लिए। वो देखिए भाई, वही वाइट वाली बर्ड्स आप लोगों को नज़र आ रही होंगी जो हम लास्ट टाइम भी आए थे यहाँ पर और हमने उनको ब्रेड वगैरह दी थी। वो देखिए भाई, लोग जो है ना सब पिक्चर्स विक्चर्स ले रहे हैं अपनी, क्योंकि असल चश्के तो यही है ना व्यू के, बस यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह लेंगे, खाना छाना खाएँगे, निकल जाएंगे। देखिए इन रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है ना एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, हमने जो दोबारा समोसे मंगाए थे ना वो बीफ मंगाए थे, लेकिन इन्होंने गलती से चीज़ वाले समोसे दे दिए, तो इसके लिए इन्होंने देखें अपोलोजीज़ लिखा है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना इन्होंने आइसक्रीम दी है, ठीक है, ये होती है इनकी सर्विस। अब्दुल कबीर शूज़ उतार दें, अब हम जो है ना मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं यहाँ पर। अब जो है ना वेले वाले भाई जो है वो गाड़ी लेके आ रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर। अबू जी आज का एक्सपीरियंस कैसा था ये तो बताएँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, मज़ा आया आपको? चलें गुड है। वो आ रही है भाई हमारी गाड़ी, वो आ रही है। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। चले जी, अब जो है ना मैंने घर वालों को घर पे ड्रॉप कर दिया है और मैं जा रहा हूँ इशा की नमाज के लिए, फिर तरावी के बाद फ्री होऊंगा। आप लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि नॉर्मली जो आप लोग इफ्तारियों के जो सीन देखते हैं हमारे, उससे कंपेयर करें आज इस रेस्टोरेंट की इफ्तारी, तो आप लोगों को मजा आया या नहीं आया। मेरा जवाब तो मैं भी आप लोगों को देता हूँ कि मुझे जो है ना इस तरह बड़े रेस्टोरेंट में जाके इफ्तारी वगैरह करने में मजा नहीं आता। मैं जो है ना स्ट्रीट फूड लवर हूँ, समझ रहे हैं, सड़क के किनारे स्ट्रीट फूड खा के वहां पे बैठ के जो इफ्तारी का मजा है ना वो कहीं पे भी नहीं आता। चले भाई फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।